अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम जैसलमेर सम। अभी हम इस वक्त मौजूद है सम में। अभी तक आपने जो देखा हमारे पिछले व्लॉग्स में, तो वहाँ पर हम कनोई में मौजूद थे और कनोई में हमने जो है डेजर्ट में ड्यून्स के अंदर कैंपिंग की थी। अगर आप जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं और आप अगर सम नहीं आए तो आपने फिर जैसलमेर घूमा ही नहीं। तो जब आप सम में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह के कैंप्स जगह जगह पर देखने को मिल जाते हैं। तो आज इन कैंप्स की जो है लाइफ को हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप कैंप्स में रुकते हैं तो इन कैंप का जो है क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं और किस तरह के कैंप्स होते हैं, क्या इनके चार्जेस होते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम जिस रिज़ॉर्ट में पहुँचे हैं, इस रिज़ॉर्ट का नाम है कोहिनूर डेजर्ट कैंप और यहाँ पर डेजर्ट में ये कैंप्स बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कैंप दिखा देता हूँ। हमारा ये कैंप है 10 नंबर। तो सबसे पहले अंदर से आपको कैंप दिखाता हूँ किस तरीके के कैंप्स होते हैं। तो जैसे ही आप इन कैंप्स के अंदर एंटर होंगे तो आपको जो है 5 स्टार से कम की फीलिंग नहीं आएगी, इतने शानदार ये अंदर से बनाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर है ये वॉशरूम, यहाँ से आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और जी ये देखिए वॉशरूम एकदम क्लीन साफ़ सुथरे इस तरह के आपको वॉशरूम मिलेंगे। तो यहाँ पर ये अभी गद्दे लगाए जा रहे हैं। रात में यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस और म्यूज़िक होता है, तो जिसको यहाँ आप साइड में गद्दों के ऊपर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम कोहिनूर डेजर्ट कैंप में रुके हुए हैं और ये रईस भाई हैं, इस डेजर्ट कैंप के जो हैं ऑनर हैं। रईस भाई अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ के जो चार्जेस के बारे में काफ़ी सारी क्वेरी रहती है, चार्जेस क्या हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं, कैंप में रुकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरेक्ट जो है रईस भाई से पता करेंगे कि आप यहाँ पर जो पैकेज लेते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको रेट क्लियर कर देता हूँ। रेट यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है कैंप का, क्योंकि अगर आप दिवाली के टाइम पर आते हैं तब रेट अलग होंगे, दिसंबर या फिर जनवरी में आएंगे, न्यू ईयर पर आएंगे तब रेट अलग होंगे, और अगर आप नवंबर में आएंगे तब रेट अलग होंगे, तो ऑफ सीज़न आएंगे तो रेट काफ़ी कम होते हैं। तो रेट का कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। तो बाकी रेट के बारे में आप जो है डिटेल अगर पूछना चाहते हैं जिस सीज़न में भी आप आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप जो है रईस भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका जो है नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी जो भी क्वेरी हो रेट से रिलेटेड किस सीज़न में आप आ रहे हैं वो आप डायरेक्ट रईस भाई से पूछ सकते हैं। रईस भाई जब यहाँ पर कैंप्स में रुकते हैं तो कैंप के साथ साथ पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं? कैमल सफारी हो गया, जैसे जीप सफारी हो गया, सनसेट हो गया, उसके बाद होता है वेलकम, यहाँ गद्दे वद्दे से अरेंजमेंट होता है, सब चाय नाश्ता हो गया और राजस्थानी डिनर हो गया, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम हो गया सर, उसके बाद डीजे डांस होता है, उसके बाद 10 बजे तक चलता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, टेंट भी है, जैसा अलग अलग पैकेज जैसा भी ले सकता है कस्टमर आके। तो अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको कैमल सफारी मिल जाती है, जो कि यहाँ सम में डेजर्ट है, काफ़ी फेमस है। ड्यून्स के अंदर जो है आप कैमल पे सफारी कर सकते हैं, जीप सफारी कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हैं तो ये सब चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड रहती है। साथ में यहाँ पर रात में जो है डायरेक्टली आने से सस्ता पड़ता है, जो भी कस्टमर आता है डायरेक्टली अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ता है, और साथ में यहाँ पर रात में जो है कल्चर डांस होता है, कल्चर प्रोग्राम होता है। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर अभी ये स्टेज लग चुका है और जैसे अभी रात होगी तो यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, रात में आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी सनसेट हो चुका है और अभी वेलकम होगा, उसका व्यू कैप्चर करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। और तो जी जब आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो उस वक्त आपका इस तरीके से राजस्थानी स्टाइल में जो है वेलकम किया जाता है।
आज है हमारा यहाँ पर दूसरा दिन, और रात आपने देखा यहाँ का कल्चर प्रोग्राम जो कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है, और जिसमें जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूज़िक पर ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करते हैं और अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं। इसके बाद फिर 8:30 बजे से जो है डिनर स्टार्ट हो जाता है, और डिनर में आपको जो है एक अलग सेपरेट जगह दी गई जहाँ पर अलग अलग सभी तरह की डिशेज़ होती हैं, आप अपनी पसंद से जो भी आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो इसके बाद फिर जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी होता है, मॉर्निंग में आपको नाश्ता मिलता है, और इसके बाद जो है फिर आप सनराइज़ के टाइम पे जो है कैमल सफारी, अगर आपने ये सब चीज़ पैकेज मिली है, या फिर जीप सफारी, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर शाम को भी कर सकते हैं सनसेट के टाइम पे। तो 2 टाइम में जो है कैमल सफारी और जीप सफारी ये सब रहता है, तो ये आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह का भी आप पैकेज लेंगे ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। तो आप अगर आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जो है रईस भाई से मिल सकते हैं, रईस भाई का जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और बहुत ही फ्रेंडली इनका स्टाफ और ये बहुत फ्रेंडली है और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप मेरे रेफरेंस से आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो रईस भाई अब जो है चलते हैं, और ठीक है सर, ठीक है, लगा रात को आपको? रात को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इस तरीके से हमारी मेहमान नवाजी यहाँ पर की गई है, रोज का काम सर ऐसे कस्टमर मेहमान जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि आप हमारा मेहमान होता है, मेहमान की तरह करना पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको जो है इतना फ्रेंडली, इतना अच्छा यहाँ पर जो है व्यवहार है सभी का, तो आप मेरा ख्याल नहीं कि कभी इस मेहमान नवाजी को यहाँ पर बोल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो भी किया उसके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर इसी तरह के एक और मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। अल्लाह हाफिज़।